पूर्व भारतीय क्रिकेटर और महान विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट के साथ साथ बाइक्स का भी शौक है। उनका ये शौक किसी से छुपा नहीं है और उनके पास बड़ी बाइक कलेक्शन भी है, जिसमें बहुत सी क्लासिक, विंटेज, महंगी सुपर बाइक भी शामिल है। लेकिन उनके पास कुछ पुरानी मोटरसाइकिल्स भी हैं, जिन्हें अब आइकॉन माना जाता है। ऐसा ही एक मोटरसाइकिल है यामाहा RD 350, जिसे हाल ही में उन्होंने अपने लिए रिस्टोर किया है। दरअसल सैयद जदीर ने वीडियो और तस्वीर फेसबुक पर अपलोड की है। तस्वीरों में तो RD 350 है। हमें लगता है कि धोनी की RD 350 पीले रंग में है। धोनी को इस दौरान मोटरसाइकिल को चेक करते हुए देखा गया। यामा ने 1983 में भारत में RD 350 को लॉन्च किया था। उस समय ये भारत में एकमात्र परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल थी। इसमें 350 सीसी का पैरेलल ट्विन टू स्ट्रोक इंजन था। मोटरसाइकिल को दो वेरियंट LT और HT संस्करण में बेचा गया था। LT ने अधिकतम 27 BHP और HT अधिकतम 31 BHP की ताकत पैदा करता है। RD 350 उस समय की सबसे तेज मोटरसाइकिल थी। छठे गियर में इसकी टॉप स्पीड 160 किमी प्रति घंटा तक चली जाती थी। RD 350 सिर्फ 7 से 8 सेकंड में 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, जो समय के लिए बहुत तेज थी। इस वजह से RD को रेसिंग डेथ कहा जाता था। खैर दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के बाइक कलेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।